और दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये कंप्लेन लेके, सर हमारे लिंग के अंदर छोटे छोटे दाने हो गए, लाल रंग के दाने, या काफ़ी बार ये दाने मिल के एक बहुत बड़ा एक अल्सर जैसा रूप ले लेते हैं, बहुत रेड कलर का होता है और बहुत घबराहट हो जाती है पेशेंट्स को, उनको लगता है कोई एसटीडी हो गया है या कोई कैंसर हो गया है, और ऐसे में वो यूजुअली इमरजेंसी में एक अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं तो यूजुअली हमें पता लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई एसटीडी नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी चीज़ है जिसको हम एलर्जिक बैरनाइटिस बोलते हैं या प्लाज्मा सेल बैरनाइटिस बोलते हैं या जून्स बैरनाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों ये जून्स बैरनाइटिस जो है एक एलर्जी की एक फॉर्म है, और ये क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो फोरस्किन है और जो ग्लैंड्स है उसके बीच में, काफ़ी लोग सर्कमसाइज नहीं होते तो उसके बीच में यूरिन ट्रैप हो जाता है, और यूरिन के ट्रैप होने से फिर क्या होता है कि वो यूरिन जो है वो इरिटेट करता है हमारे ग्लैंड्स के स्किन को, या फिर कभी कभी उसके अंदर डेड स्किन सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, या कई लोग साबुन डायरेक्टली पीनिस पर यूज़ करते हैं तो साबुन के पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह में, और फिर किसी न किसी फॉर्म में वहाँ एलर्जी स्टार्ट होती है, और प्लाज्मा सेल्स जो बॉडी के सेल्स एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ फिर तैनात हो जाते हैं। जैसे कि आपके आसपास अगर कोई बॉम्ब फटे तो वहाँ पुलिस तैनात हो जाती है, काफ़ी समय के लिए वो तैनात रहती है, ऐसे ही वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स तैनात हो जाते हैं और फिर उस एरिया में रेडनेस आ जाती है, वहाँ पे लाली सी आ जाती है। धीरे धीरे करके जब हम इस बात पर ध्यान नहीं रखते तो ये लाली जो है ये बढ़ती जाती है, या ऐसे और डॉट्स वहाँ जम जाते हैं और फिर आपस में मिलकर एक बड़ा सा रेड एरिया बना देते हैं, और कभी कभार इस पे म्यूकस, जैसे नाक से नक्सीर निकलती है उस तरह की म्यूकस भी आपको देखने को मिल सकती है, काफ़ी बार खुजली होती है, डिस्कम्फर्ट रहता है, बार बार हाथ वहाँ जाता है और काफ़ी एम्बेरसिंग लोगों के लिए फिर हो जाता है। तो दोस्तों इसका सरल इलाज है, काफ़ी बहुत घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना है, वो कन्फर्म करेंगे कि ये बैलनाइटिस ही है जिसको हम जून्स बैलनाइटिस बोलते हैं, और फिर वो आपको कुछ परहेज बताएंगे। सबसे पहला परहेज तो यही कहेंगे कि आप जो स्किन है फोर स्किन को उसको पीछे करके यूरिन करिए, और यूरिन करने के बाद उसको अच्छे से आप टिश्यू से क्लीन कर लें, डैप कर लें, ताकि वहाँ पे कोई यूरिन ट्रैप ना रह जाए। दूसरी चीज़ वो कहेंगे कि आप डायरेक्ट साबुन का इस्तेमाल ना करिए, या ऐसे कोई पदार्थ जो एलर्जी करते हो आपको, उन सब का आप ध्यान रखें, उनको अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो है कि यूरिन करने के बाद थोड़ा बहुत आप ग्लैंड्स को वॉश कर सकते हैं, ताकि वहाँ कोई बाई चांस यूरिन अगर ट्रैप हुआ है तो वो क्लीन रहे, और कोई भी एंटी एलर्जिक वो आपको शुरू करेंगे। सिंपल सी गोलियाँ होती हैं जुकाम खांसी के लिए, अक्सर डॉक्टर देते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि कोई लोकल बैक्टीरिया वहाँ आके उस लाली का फ़ायदा ना उठाए और उस इन्फ्लेमेशन में जाके उसको बढ़ा ना दे। तो उसके लिए काफ़ी बार हम कुछ आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं, जिसकी अगेन डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लाल लाल धब्बे हैं इन पर आप तवज्जो देंगे, इनसे घबराएंगे नहीं, और आप जल्दी एक एंड्रोलॉजिस्ट को मिलेंगे, उनको इसके बारे में दिखाएंगे, और जो सारे प्रिकॉशन मैंने आपको बताए और जो दवाई वो बताते हैं उसको आप फॉलो करेंगे। फिर भी कोई सवाल अगर आपके हों तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दें, या कमेंट सेक्शन में उसे लिखें और वहां हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।